इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। के मुसलमानों के अंदर जो है वो जज्बा है वो इंसानियत नवाज है। और आपको मालूम है बिला तफरीक फिरका वो जमात मजहब व मिल्लत मुसलमानों ने सैलाब से मुतासरीन की जो मदद की, उनकी जो इमदाद की, वो काबिले तारीफ है। कामयाबी पर ले जाए और हिंदुस्तान में भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम एकता और इत्तेहाद को परवान चढ़ा। आज की जो हुकूमत है वो फासिज्म उसकी बुनियाद है। और ये फासिज्म 2014 या 2002 से शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसको जारी और सारी करने के लिए आरएसएस जैसी तंजीम ने 100 साल मेहनत की। 80,000 नाम है, उसमें 64,000 नाम सिर्फ मुसलमानों के, तो इससे अंदाजा लगाइए आप कि आजादी के लिए मुसलमानों ने क्या कुछ किया। खैरात फारूक खानदान साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी तकरीर की। के मशहूरे हैं आसमानों में, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है तेरे बर्बादियों के मशहूरे हैं आसमानों में। जैसा कि आज हम देख रहे हैं ये बीजेपी की गवर्नमेंट आने से हमारा हाल क्या हुआ है। मैं सियासी नुक्ते पर बात करूंगा। ये आपको सोचना है, जब तक हमारी सियासी ताकत मजबूत ना होगी हम तरक्की नहीं कर सकते, ये आप लिख लो। अब हमारे जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे, आप शायद व्हाट्सएप पे देखे होंगे, इन मंदिरों में जाके हवन कर रहे, टीके लगा ले रहे हैं, तो कहाँ इनका ईमान रहा बताइए। अल्लाह ताला जो है, जो ईमान पर रहता है उन्हें हमेशा ईमान पर रहता है। तारीफ में आता है गांधी जी जो है, गांधी जी के सामने जाने के लिए, जब गांधी जी के सामने अबुल कलाम आजाद जाते थे तो उन्हीं बड़े अपने पैरों पे कपड़े डालकर, गुड़ियों पे कपड़े डालकर बैठते थे गांधी जी, क्योंकि एक बड़े आलिम आ रहे हैं। तो हम वो प्रॉब्लम को देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आज हम हमारे फारूक साहब बोले कि हम आईएएस आईपीएस की बात करना, लेकिन आईएएस आईपीएस का जमाना भी चला गया, क्योंकि मोदी जी के जो उनका जो एक स्टाइल रहा है अमेरिकन स्टाइल, ये जो स्टाइल के अंदर जो है वो एकदम एक्सपर्ट्स को ला रहे हैं। आईएएस और आईपीएस का जो ऑफिसर्स होते हैं, जो काम जो करते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो क्लर्क होते हैं, तो ये छोटे बाबू वो बड़ा बाबू, तो इनको जो है एक आईएएस ऑफिसर है, अभी बेलगाम का डीसी है, या बेलगाम में कि नहीं, यहाँ पूरा फ्लड हुआ तो फ्लड का वो करेक्टली असेस नहीं कर सकता, वो डैमेज करता नहीं कर सकता। आज एक लेकर घर पड़ रहा है, उन्हें 10,000 रुपये दे रहे हैं, और किसी का पूरा घर पूरा चला जा रहा है उसमें 1,00,000 रुपए दे रहे हैं, तो 1,00,000 रुपए या 10,000 रुपए की बात नहीं है, बात समझदारी की बात है। तो वो सिस्टम को ये मोदी सरकार जो है वो सिस्टम को बदल कर एक ऐसा सिस्टम ला रही है जो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो ऑफिसर है उसमें जो ये है, जैसा हेल्थ ऑफिसर बनाना है या हेल्थ सेक्रेटरी बनाना है, अंडर सेक्रेटरी बनाना है, तो एक डॉक्टर ही हेल्थ सेक्रेटरी बनेगा। ऐसे एक 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 माहौल बन रहा है, एक ऐसा एक सिस्टम आने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ आज
हमें एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन हमारे के ऊपर होनी चाहिए कि सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए कि टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि आज आप अगर देखने जाएंगे तो जो इंजीनियरिंग के लिए बच्चे, जो माँ बाप जो है बहुत कोशिश करके एक बच्चे को इंजीनियरिंग बना रहे हैं, बी बना रहे हैं, बीटेक बना रहे हैं, एमटेक बना रहे हैं, ऐसा बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, और इसमें पैसा भी लग रहा है, और उनके अगर उनके पास पैसे ना भी हुए तो एजुकेशन लोन भी ले रहे हैं, लेकिन नौकरी उन्हें नहीं है। सबसे बड़ा मसला गवर्नमेंट के लिए, लेकिन हमारे पास जब तक वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास वोटर लिस्ट, जो आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसको इनवैलिडेट कोई नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये वैलिड डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ने इसको इशू किए हैं, तो इसको सुप्रीम कोर्ट भी नकार है। दूरअंदेशी जैसा बताया गया, वो हिसाब से हम जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स बराबर कर रख लेना ज़रूरी है, किसके लिए भी ज़रूरी है ये, तो हम जो है अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लें, और जो हद मुकर्रर कर रहे हैं या 71 या 51 से, आपके जो भी वालदेन वालिद है और दादा के लिंक लगाकर, जो लिंक के थ्रू जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स बराबर कर रख लें। अंदर समिति के सदर साहब को, क्योंकि यहाँ पर एक बात जाहिर हो रही है कि आज मुसलमान बेलगाम में लाखों के हिसाब से है, लेकिन इनके दिल में आने वाली मुसीबत की फिक्र है, इसलिए इन्होंने अपना वक्त, अपना ताउन करके इस महफिल का इंतज़ाम किया, अहतमाम किया। मगर बड़े अफसोस से भी कहना पड़ता है कि आज शायद, आपको लगता है नहीं लगता मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं एक ऐसे कौम से राबता कायम हूँ जो कौम अभी नींद में है, जगी नहीं है, क्योंकि जगाने वाले यहाँ पर बैठे हैं, मगर हमारे अंदर वो मादा नहीं है कि हम जग सकें।